हेलो एवरीवन, आज आपका मैं फिर से वेलकम करता हूँ इन अवर न्यू लेक्चर और न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब तक अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, ये देखा जाए तो उस इक्वेशन का एप्लीकेशन है और इसमें कुछ पार्ट आपका मोल कंसेप्ट का यूज़ होता है टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, जो आप ऑलरेडी जानते हैं मोल्स कैसे निकालते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गैस इक्वेशन है, टॉपिक का नाम है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखो ये होता क्या है, वैसे मैंने बोर्ड पर स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है पर मैं स्टेटमेंट आपको बाद में रीड करके समझाऊंगा, पहले मैं इसका फिजिकल मीनिंग समझा दूं कि ये स्टेटमेंट बोलता है क्या है। तो देखो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। सपोज़ अगर आपके पास एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T। एक बार मैं आपका फ्रेम चेक कर लूं। सपोज़ आपका एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर दो गैसेज फिल कर रखी है, एक गैस है गैस ए और एक गैस है गैस बी। तो ये सपोज़ ये गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं आपके, काफ़ी सारे ये गैस ए के मॉलिक्यूल्स हो गए, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे गैस बी भी फिल कर रखी है। सपोज़ ये मेरा गैस बी के मॉलिक्यूल्स हैं, पर कंडीशन मेरी ये है यहाँ पे कि जो दो गैसेस हैं ना, ये बी के मॉलिक्यूल्स हैं, बी के, ठीक है। ये डॉट मीन्स बी का कंडीशन ये है कि ए और बी आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ए और बी की आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्शन हो गई तो ए और बी का नया प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल अभी अपन नहीं कर सकते, ठीक है। ए और बी आर टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस। सपोज जैसे एक आपने ऑक्सीजन ले लिया, एक आपने हीलियम ले लिया, या नाइट्रोजन ले लिया या ज़िनॉन ले लिया, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन ले लिया, दो ऐसी गैसेस जो आपस में रिएक्ट ना करें। ऐसा नहीं कि आप क्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन ले लो तो रिएक्ट करके HCl बना लेगी, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। ऐसी दो गैसेस लेनी है जो यहाँ पे रिएक्ट ना करें। अब देखो मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे गैस ए भी अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी और गैस बी भी अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, ठीक है। जो टोटल प्रेशर होगा ना दोनों का मिक्सचर, जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। अब बात ये आती है पार्शियल प्रेशर क्या होता है। अभी सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि डेल्टन लॉ क्या बोलता है। डेल्टन लॉ बोलता है, डेल्टन लॉ ये बोला कि दो गैसेस का मिक्सचर लिया अपन ने और वो जो दो गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा, जो एग्जिट होगा यहाँ पे, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम के इक्वल होगा। अगर सपोज यहाँ पे थ्री गैसेस है ए बी सी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के एडिशन होगा। तो मैंने दो गैस लिए तो पी और पी भी यहाँ पे आ चुका। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब मेरा कंसर्न है ये पी ए और पी बी क्या होगा। तो समझो पी ए पी बी क्या होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी, वॉल्यूम वी और टेम्परेचर टी। तो मैं सेम वापस से क्या करता हूँ, वॉल्यूम वी का कंटेनर लिया और टेम्परेचर टी यहाँ पे मैंने ले रखा है, और यहाँ पे ओनली गैस ए को मैंने फिल करा। क्या करा, ओनली गैस ए को मैंने यहाँ पे फिल करा, ठीक है, ये ओनली गैस है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में जो गैस ए अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो इसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। यहाँ पे तो मिक्सचर की वजह से जो प्रेशर था वो था, यहाँ ओनली गैस है। आपको याद हो आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करें तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो यहाँ पे जो गैस ए है उसका प्रेशर मैं बोल देता हूँ पी ए, वॉल्यूम मैंने यहाँ पे वी ले रखा है, मोल्स यहाँ पे ए के मोल्स होंगे तो वो कहलाएंगे आपके एन ए, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी मेरा टेम्परेचर है। तो मेरी ए का जो प्रेशर आया वो आएगा एन ए आर टी बाय वी, ये मेरा पार्शियल प्रेशर है ड्यू टू गैस ए। इसी तरह से मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी निकाल सकता हूँ। पी बी क्या हो जाएगा मेरा, एन बी आर टी अपॉन वी, तो ये कहलाएगा मेरा पार्शियल प्रेशर। मतलब यहाँ पे क्या करा, जो टोटल मिक्सचर था गैसेस का उसमें जो वॉल्यूम और टेम्परेचर था, उसी वॉल्यूम और उसी टेम्परेचर पे मैंने ओनली गैस ए लिया एक बार, और सेम कंटेनर में उसी वॉल्यूम का उसी टेम्परेचर में गैस बी ली, तो इंडिविजुअली वहाँ पे उनका कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था वो मेरा पार्शियल प्रेशर कहलाता है, और इन दोनों का एडिशन पी ए और पी बी का एडिशन मेरा पी कहलाएगा। ये बात आपकी डेल्टन्स लॉ ने बोली है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखनी है कि एडिशन ऑफ पार्शियल प्रेशर
आपको अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो, और पीए क्या होगा उसी कंडीशन पे जिसमें ये टोटल मिक्सचर है गैसेस का, उसी कंडीशन में पीए ड्यू टू सॉरी गैस ए कितना प्रेशर एक्सिस्ट कर रही है और उसी कंडीशन में गैस बी कितना प्रेशर एक्सिस्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, वो कहलाएगा आपका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब ये कंसेप्ट याद करिए। अब मैं यहाँ पे दो वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे वो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पी ए यानी कि एन ए आर टी बाय वी प्लस पी बी यानी कि एन बी आर टी बाय वी, आर टी बाय वी आप कॉमन ले लोगे तो एन ए प्लस एन बी बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर पी की वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगी आर टी बाय वी एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अभी सब लिखवा दूंगा, अभी जितना आप समझा रहा हूँ मैं कैसे होगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब स्टेटमेंट रीड करो, इफ़ टू और मोर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट, वही कंडीशन थी जो रिएक्ट नहीं कर रही, विच डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर आर टेकन इन ए क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर है, द टोटल प्रेशर ऑफ द गैशियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट मैंने सपोज 1, 2, 3 मान लिया तो P मेरा P1, P2, P3 हो जाएगा, अगर मैं ए बी सी मानता हूँ तो पी ए पी बी प्लस पी सी हो जाएगा। तो इसका सबसेट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप 1, 2, 3 लो चाहे ए बी सी लो, जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप डेल्टन्स का जो लॉ था वो समझ गए होंगे, पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो भी आप समझ गए होंगे। अब इस डेरिवेशन को आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, सॉरी ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, और ये वाला आपको ध्यान रखना है कि टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन ए प्लस एन बी आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, इसको नोट करिए, आप एक बार इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको नोट कर लिया करिए। अब इसका छोटा सा मैं डेरिवेशन करूँगा कि इस डेल्टन्स लॉ को मैं और किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ कि सपोज़ मेरे पास 3 गैसेस हैं ए बी और सी, उनको मैंने किसमें वॉल्यूम वी और टेम्परेचर टी, जिसका वो वॉल्यूम वी का कंटेनर है, टेम्परेचर टी वहाँ पे वो सराउंडिंग का टेम्परेचर वहाँ पे आपको गिवन है, तो आपको ये बताना है टोटल प्रेशर क्या होगा। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, मैं आपको डायग्राम भी बना देता हूँ। ये आपका कंटेनर है जिसका वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है, यहाँ पे आपकी ए ए ए और बी 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 सी सी और सी, तीन तरह की गैसेस है ए बी सी। ठीक है, तो आपको डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आपका क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा इस कंटेनर का। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब पी ए क्या होगा, पी ए क्या होगा, जब मैं गैस ए को वॉल्यूम वी और टेम्परेचर टी पे लूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, मोल्स ऑफ ए आर टी बाय वी। इसी तरह से आपका पी बी क्या होगा, इसी तरह से आपका पी बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी आर टी बाय वी। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये मैं आइडियल गैस इक्वेशन से लिख रहा हूँ। इसी तरह से आपका पी सी क्या होगा, मोल्स ऑफ सी आर टी बाय वी। पी बी इक्वल टू एन आर टी से मैंने तीन इक्वेशन लिखी, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, और ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाली मेन इक्वेशन में पुट करूँगा, तो मेरा इन तीनों से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए आर टी बाय वी प्लस एन बी आर टी बाय वी प्लस एन सी आर टी बाय वी। तो मेरा टोटल प्रेशर हो जाएगा, आर टी बाय वी मैंने कॉमन लिया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं है। तो अगर 3 गैसेस है तो 3 मोल्स का एडिशन हो जाएगा, सॉरी मतलब 3 कंपोनेंट का एडिशन हो जाएगा, 2 गैसेस है 2 का एडिशन हो जाएगा, उसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इक्वेशन को मार्क करो फोर्थ। ठीक है, फोर्थ मार्क कर लिया। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर सपोज आपको टोटल प्रेशर गिवन है और मोल्स गिवन है और आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, है ना। अब क्या करो, आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करो फोर्थ से, फर्स्ट ऑफ ऑल को डिवीजन करो, फर्स्ट इक्वेशन का फोर्थ से डिवीजन करो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे पी ए अपॉन पी। ठीक है, और एल एच एस में मिलेगा पी ए अपॉन पी, और आर एच एस में मिलेगा आपको एन ए
आर टी बाय वी, और नीचे मिलेगा यहाँ पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, और आर टी बाय वी। तो ये आर टी से आर टी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, तो आपकी पी ए की वैल्यू हो जाएगी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। ये पी को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इन टू पी, यह आपका एक और कंसेप्ट आ गया। टोटल प्रेशर गिवन है और इंडिविजुअल मोल गिवन है, तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो जिस कंपोनेंट का आपको दे रखा है। तो जब मुझे ए का निकालना है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कर दिया। अब अगर आपका रिवीजन अच्छा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये मोल फ्रैक्शन है गैस ए का, तो मैं इसको लिख दूंगा पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन टू पी। मोल फ्रैक्शन आपका यही होता है गिवन मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब सिमिलरली मैं इसी तरह से पी बी क्या लिख दूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इन टू टोटल प्रेशर। इसी तरह से पी सी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी इन टू टोटल प्रेशर। तो आपके काम का क्या हुआ, ये तीन इक्वेशन, फिर आपने इसको पुट करा, टोटल प्रेशर निकाला, फिर आपने पी ए और पी में रिलेशन निकाला इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। उसी तरह से मैंने पी बी और पी में निकाला, सेम वे में पी सी और पी हो जाएगा। इसको निकालने के लिए सेकंड और फोर्थ का डिवीज़न होगा, इसको निकालने के लिए थर्ड एंड फोर्थ का डिवीज़न होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए। अब ये आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 5.8 का और डेल्टन स्लो पे ही बेस है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैशियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड एट 0.8 बार एंड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 0.7 बार आर इंट्रोड्यूस इन ए 1 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको कंडीशन यहाँ पे मेंशन है। देखो मैं डेटा जो गिवन है वो लिख देता हूँ, दो गैसेज हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ए और बी नहीं लिखूँगा, यहाँ पे गैस के नाम गिवन है तो मैं गैस के नेम्स लिखूँगा। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 0.5 लीटर गिवन है वॉल्यूम, 0.5 लीटर तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और इसका प्रेशर आपको गिवन है 0.8 बार, ठीक है, ये इसका प्रेशर गिवन है। इसी तरह से आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे 2 लीटर और प्रेशर गिवन है आपको यहाँ पे इसका 0.7 बार, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को मिक्स करा मैंने, किसे मिक्स करा, एक 1 लीटर के कंटेनर में जिसका वॉल्यूम वी फाइनल कितना है 1 लीटर, मैं खाली वी लिख देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो, वॉल्यूम कितना है इसका 1 लीटर। और यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंशन्ड है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरे कुछ काम का नहीं है, मेरे काम का है केल्विन में 300 केल्विन, ठीक है। देखते हैं काम भी आता है नहीं आता। इन दोनों को मिक्स करा इस कंटेनर में तो ये H2 प्लस O2 हो गई, है ना। आप बोलोगे सर H2 और O2 तो रिएक्ट कर जाएगी और वाटर बना लेगी, बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती, एटमॉस्फेयर में भी आपकी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो ऐसे H2 नहीं बनाएगी, ठीक है, डायरेक्टली ये रिएक्ट नहीं करेगी, है ना। अब आपसे बोला है कि इसका क्या निकालना है आपको, प्रेशर ऑफ द गैसेज मिक्सचर आपको, यानी कि इसका टोटल प्रेशर निकालना है। अब वो टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये मेरा कंसेप्ट बोल रहा है, कौन सा, डेल्टन लॉ का। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन से मैंने डेटा को इंटरप्रेट किया कि मुझे ये गिवन है, इसको मिक्स करा इस कंडीशन में और मुझे ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, सॉल्यूशन बात क्या होता है, आप क्वेश्चन ही नहीं समझोगे, सॉल्यूशन रटोगे उससे काम नहीं चलेगा। हल्का सा डेटा घुमा दूंगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ मोल तो गिवन ही नहीं है, आपने तो मोल का फॉर्मूला बताया था। तो देखो मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था, अच्छी बात है, पर मैंने मोल से पहले आपको काफ़ी सारे लॉ सिखा रखे, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, तो हम पर उनको यूज़ करके भी प्रेशर निकाल सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी आइडल गैस इक्वेशन में पी वी को डेन आर टी करके प्रेशर निकाले, अपन उन लॉ को यूज़ करके भी प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। बस मेरा टारगेट क्या है कि जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो यहाँ हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है,
जब मिक्स किया तो यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है और इंडिविजुअली आपको प्रेशर दे रखा है, ठीक है। अब देखो, अब ये इसके लिए मैं बोल देता हूँ कि P1V1 क्या होगा, P2V2 के बराबर, यानी कि इसको मैं 1-1 मान लूँ, P2V2, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं PT और VT मान लेता हूँ, PT माने टोटल प्रेशर, VT माने टोटल वॉल्यूम, और ये मेरा वॉल्यूम टू प्रेशर टू, इसको मिक्स किया तो ये भी PT और VT के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो P1 कितना है मेरा यहाँ पे 0.8 बार, वॉल्यूम कितना है 0.5, और ये PT मुझे फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी PT नहीं होगा यहाँ पे, P of H2 होगा, क्या होगा ये P of H2 होगा, ये निकालना है मुझे P of H2, यहाँ पे H का कितना प्रेशर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा P of H2, वॉल्यूम कितना है 1, तो बताओ मेरा P of H2 कितना आ जाएगा, 0.5 × 0.8, 85 = 40, तो 0.4 हो जाएगा मेरा बार में P of H2। इसी तरह से जब मैं, मेरी इस गैस के लिए कंडीशन है P2V2 वाली, जब मैंने मिक्स किया तो यहाँ पर ये P of O2 कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कहलाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा मेरा P2V2 = P of O2 × VT, ठीक है, तो ये 2 × 0.7 है ना, 2 मेरा वॉल्यूम, 0.7 मेरा प्रेशर, ये P of O2, वॉल्यूम मेरा 1, तो P of O2 मेरा हो जाएगा 1.4 बार, ठीक है। P of H2 आ गया, P of O2 आ गया, दोनों को ऐड करा तो 0.4 प्लस 1.8 हो जाएगा 1.8 बार, ये मेरा टोटल प्रेशर है। देखो क्वेश्चन हो गया, अभी दोबारा से स्पिन करता हूँ। देखो हाइड्रोजन जब 0.5 लीटर के कंटेनर में प्लेस थी तो 0.8 बार प्रेशर लगा रही थी, कितना भी मोल हो आई डोंट केयर। ऑक्सीजन जब 2 लीटर के कंटेनर में प्लेस थी तो 0.7 प्रेशर लगा रही थी। इन दोनों का मैंने मिक्स करा 1 लीटर के कंटेनर में और इस टेम्परेचर पे, तो बताओ टोटल प्रेशर कितना आएगा, तो कितना आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 गैसेस, जो यहाँ प्रेशर था मिक्स करने पे, ये यहाँ कितना प्रेशर एग्जिट करेगी वो मैंने यहाँ पे आपको इस लॉ से समझा के निकाल दिया। ज़रूरी नहीं है हमेशा PV = NRT यूज़ करूँ मैं, ऐसे भी मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। एक काम करते, अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन कन्फाइंड इन टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर और एट 0°C। 1 लीटर का कंटेनर है आपके पास, टेम्परेचर है 273 केल्विन, यानी 0°C, इसमें आपने 4 ग्राम तो ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन फिल करी है, बोला है टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगी। अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ क्या होता है आपका, P = PA + PB। PA क्या होगा, NaRT/V + NbRT/V। क्वेश्चन खत्म। टी कौन सा है टोटल जो मिक्सचर की कंडीशन टेम्परेचर है वो, वॉल्यूम क्या है इसका टोटल वॉल्यूम कितना 1 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन, आई थिंक मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, कैसे होगा ये। आपका टारगेट क्या है, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी निकालना, मोल्स ऑफ ए यानी कि ए को मान लेता हूँ मैं ऑक्सीजन और बी को मान लेता हूँ मैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके, मास कितना ऑक्सीजन का 4 ग्राम और वेट कितना होता है 32, तो 1/8। इसी तरह से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, 2/2, क्योंकि इसका मास 2 होता है, तो ये हो जाएगा 1। ये वैल्यू किसकी है, एन ए की, और ये वैल्यू किसकी है, एन बी की, तो पी आपका क्या हो जाएगा, NaRT/V। एन ए कितना है आपका 1/8, आर की वैल्यू होती है 1/12, मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म में। आप बोलोगे सर क्या ले यहाँ पे आंसर में, 1/0.08321 ले या 0.082 ले या 8.74 ले, तो देखो अगर यहाँ पे टेम्परेचर आपका वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो आप अगर 0.0821 लेते हो तो आपका प्रेशर ATM में आएगा, अगर 0.083 लेते हो तो प्रेशर आपका बार में आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आर किलो 8.314 लेते हो तो फिर आपका वो लीटर रेटिंग मिलेंगे जूल के फॉर्म में आंसर आएगा, यानी कि मैं अपने अकॉर्डिंग वैल्यू लूँगा जिस यूनिट में मुझे आंसर चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ATM में फाइंड करूँगा, तो मैं आर किलो 0.0821 लूँगा, तो वो कितना होता है 1/12 होता है, और टी आपका कितना है 273, ठीक है, प्लस NbRT, वॉल्यूम कितना है इसका 1, NB क्या आपका 1 × 1/12
इंटू 273 डिवाइड बाय 1। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है और आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा। ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अब आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, इसके आंसर बताइए कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इसका आंसर अराउंड 25 के अराउंड आएगा, फिर भी आप अप टू 2 डेसिमल निकालिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एनसीईआरटी की थ्योरी रिवाइज करिए, वहाँ कुछ सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल है, उनको देखिए इस थ्योरी के साथ, तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन और नई थ्योरी के साथ।